ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم السائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نازلنا سورة بقرة, کی آيات کی سورة بقرة آيات کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے آج سورہ نمبر پچپن اور آيات نمبر چھپن अल्लाह तबारक बनु इसराइल को याद दिला रहा है कि अल्लाह ताला ने उन पर कितनी नेमतें की हैं इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया था कि किस तरह बनु इसराइल के कुछ अफराद ने जब अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन उसकी कौम से निजात दिलाई तो उसके बाद वो बछड़ी की पूजा में लग गए उसके बाद भी अल्लाह ताली ने उनको माफ़ किया और उन पर अल्लाह तहम किया अब इस आयत में अल्लाह ताली एक और चीज़ का ज़िक्र कर रहा है कि बनो इसराइल की तरफ से इतनी बड़ी चूक होने के बाद इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया और उन पर इनाम इकराम जारी रखा अल्लाह ताला, ताला इसे बयान करते हुए कहता है व इदकुल तुम या मूसा कि ए बनु इसराइल याद करो जब तुमने अपने नबी मूसा से कहा था कि ए मूसा लन नमीन लका हम आप पर ईमान नहीं लाने वाले हत नाज हरता जब तक कि हम अल्लाह ताला को बिल्कुल देख ना खुल्लम खुल्ला तो ये देखिए कितनी बड़ी जुरात बनू इसराइल की कि वो अपने पैगंबर से अपने नबी से कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानने वाले जब तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देख ना ले देखिए सलाम एक मकाम पर जाते थे अल्लाह ताली उनसे कलाम करता था तो मूसा सलाम के साथियों ने कहा कि देखिए आप जाते हैं अल्लाह ताला से बात करके आते हैं तो आप तो अकेले जाते हैं और पता नहीं अल्लाह ताला आपसे क्या कहता है आप क्या सुन के आते हैं आप हमको बताते हैं हम कैसे यकीन करें ऐसा कीजिए कि अगली बार जब अल्लाह ताला से बात करने जाइए तो हमें भी साथ में लेके चलिए हम भी देखना चाहते हैं कि आप अल्लाह तला से कैसे बात करते हैं तो ये बनु इसराइल ये यहूदी ये लोग अपने नबी से क्या कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से अकेले अकेले बात करते हैं ऐसा नहीं हमें भी साथ में ले चलें हम भी देखेंगे कि आप अल्लाह ताला से कैसे बात करते हैं चुनाचे मूसा इस्लाम उन सबको लेकर गए अपने सारे साथियों को ले गए और उन्हें एक मकाम पर खड़ा किया और अल्लाह रबुल आलमीन ने मूसा इस्लाम से बात की मूसा इस्लाम ने अल्लाह तला से बात किया उनकी जिद पूरी की मूसा इस्लाम ने लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनसे बात किया मूसा सलाम ने कलाम किया और उनकी जो जिद थी वो पूरी कर दी गई तो उसके बाद उसी जगह पे ये लोग क्या कहते हैं उसी जगह पे इन लोगों ने कहा कि या मूसा कि ए मूसा लन न लका हम अभी भी आप पर ईमान लाने वाले नहीं है ठीक है आपने अल्लाह तला से बात की लेकिन हमें तो अल्लाह तला ने दिखाई नहीं दिया हमको भी देखना कि अल्लाह तला है कहा तो कहा है कि ए मूसा हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हमें दिखाओ अल्लाह तला कहाँ है हम देखेंगे तभी मान लाएंगे लनलाका नरल्लाजारत जब तक कि हम खुल्लम खुल्ला बिल्कुल अल्लाह तला को देख ना ले आप पर ईमान नहीं लाने वाले जाहिर है कि ये बहुत बड़ी सरकशी और ये बहुत बड़ा गुनाह था और ये बहुत ख़तरनाक इनका मुतालबा था हकीकत यह है कि इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनके आँखों में वो क़ुत ही नहीं है वो पावर ही नहीं है कि अल्लाह तला का दीदार कर सके ये इंसान की औकात ही नहीं है कि अल्लाह ताली को देख सके इन आँखों में वो पावर नहीं है ये आँखें अल्लाह ताली के दीदार की मतहमिल नहीं है ये आँखें बर्दाश्त नहीं कर सकती नहीं देख सकती अल्लाह ताली के नूर को ये झेल नहीं सकती इसमें वो पावर नहीं है वो ताकत नहीं है कि अल्लाह तला को देख सके और इंसान की ये औकात और ये मुतालबा करे कि नहीं हमें अल्लाह ताली को देखना है तो ये बहुत ही ख़तरनाक गुनाह है बहुत बड़ा पाप है ये बहुत बड़ी जरत है और अल्लाह रबालमीन ने इस चीज को दूसरे मकाम पर भी जिक्र किया कि इन लोगों ने कितनी बड़ी सरकश की कि ये जिद किया कि हमें अल्लाह ताला को देखना है चुनाच अल्लाह रब्लम ने सुर आयत नंबर एक सौ तिरपन में इशाद अलू का किताब जिला किताबी फ़कद अकबरदारी का فقالوا الله الله कहता है कि यह अहले किताब कहते हैं कि इन पर आसमान से कोई किताब नाजिल की जाए अरे मूसा के साथियों ने तो मूसा अकबर किया इससे भी बड़ी बात का मुतालबा कर लिया मूसा से अल्लाह तब बतरी इब्रत जिक्र कर रहा है कि ये इसराइली ये बनु इसराइल ये इन लोगों ने अपने नबी से कितनी बड़ी बात का मुतालबा कर लिया फकाल इन्होंने कहा अरिन को दिखाओ हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह को दिखाओ और अल्लाह ने सूर्य फुरान आयत इक्कीस में भी इसी बात को जिक्र किया कहा वकाल यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि इस तरह के मुतालबात कि हमें अल्लाह को देखना वो लोग करते हैं जिनका आखिरत पर एतकाद नहीं होता आखिरत पर ईमान नहीं होता है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाना चाहते आखिरत का इनकार करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद की जो जिंदगी है उसका इनकार करके हम दुनिया में आज़ादी से जो चाहें खाएं, पिए घूमें फिरें यानी जो मन में आए करें अच्छे बुरे की कोई तमीज़ ना हो जो जहन में आए वो करते जाएं तो जिन लोगों की जहनीत ये होती है कि हम जो चाहें करें चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा जो मन में आए हम करते जाएं, कोई हमारे ऊपर हाकिम ना हो कोई पूछने वाला ना हो कोई हमारे लिए सजा ना हो ना दुनिया में हो ना मरने के बाद हो जिनकी ये जहनीत होती है वो मरने के बाद की जो जिंदगी है उसके इनकार के लिए अजीब व गरीब बहाने तराश करते हैं उन्हीं में से उनका एक मतलब यह होता है कि अल्लाह को दिखाओ तो अल्लाह सरे फ्रक़ान आयत में कहता वक़ल लदीन अल अली का कि जो लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते कि उनको हमसे मिलना है लऊला उन जिला कहते हैं कि फरिश्ते हम पर नाजिल क्यों नहीं होते यानी फरिश्ते नबी के पास आते हैं जिब्साम नबी के पास आते हैं हमारे पास क्यों नहीं आते वो लोग इस तरह की बात करते हैं अगर फरिश्ते हैं तो हमारे पास भी भेजो का फरिश्ता औ नब बना या हम अपने रब को देख क्यों नहीं रहे तो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें अपने रब को देखना है लक़दस्तक बरूफ़ी अन फुसम व ए वन कबीरा इन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है बहुत बड़ी सरकशी में ये लोग मुब्तला हो गए हैं जो ये कहते हैं कि फ़रिश्ते हमारे पास क्यों नहीं आते अल्लाह हमको दिखाई क्यों नहीं देता हम अल्लाह को देख क्यों नहीं पाते तो अल्लाह ताला इस बात को बहुत बड़ा जुर्म करार दे रहा है कि कोई शख्स ये मुतालबा करे कि इन आँखों से अल्लाह को देखना है जबकि इन आँखों में वह ताकत नहीं है कि अल्लाह तला को दे सके हाँ अल्लाह तला का ये वादा है कि के बाद अल्लाह तला को देखा जा सकता है ये अल्लाह तला का वादा है लेकिन इस दुनिया में कोई आंख अल्लाह को देख नहीं सकती है तो बहरहाल मूसा इस्लाम के साथियों ने जब ये जिद किया कि आप अल्लाह तला से बात करते हैं हमें भी लेकर चलो तो मूसा मूसालाम लेकर गए लोगों को और उन्हीं लोगों ने कह दिया नहीं अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप बात कर रहे हैं और हम देखें नहीं हमको अल्लाह तला को देखना कहाँ अल्लाह तला और हैरत की बात है कि ये वो लोग थे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में भी चुनिंदा थे बनो इसराइल में भी कुछ चुनिंदा थे उनको मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे और वो लोग इस तरीके से आमादा हो गए चुनाची सुर आराफ आयत एक सौ पचपन में अल्लाह तला ने कहा वख्तार मराजुल्न कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि तो आप अल्लाह ताला से बात करते हैं हमें भी लेकर चलो हम भी देखेंगे कैसे अल्लाह ताला से बात करते हैं तो मूसा इस्लाम ने अपने साथियों में सत्तर लोगों को चुना और वहां पर उन लोगों ने यह मुतालबा कर दिया कि नहीं नहीं अब इतने से काम नहीं चलेगा हमें दिखाओ हम अल्लाह तला को देखना चाहते हैं अब चूंकि इतनी बड़ी शरारत इतनी बड़ी सरकशी इतना खतरनाक मुतालबा अब इस पर अल्लाह तला ने उन पर जगह पर ही अजाम नाजिर किया उन पर ऐसी बिजली गिरी जगह पे सबके सब, सब खत्म सबके सब फना सबके सब, सब खत्म अल्लाह तुम देखते रहे और तुम्हारे देखते देखते एक बिजली गिरी और सबके सब, सब हला सब को बर्बाद जगह पे सबको अल्लाह तला ने खत्म कर दिया ये लोग कह रहे थे कि हमको अल्लाह को देखना है अल्लाह तला ने वही जगह पर सबको खत्म कर दिया सबको मौत दे दिया बिजली गिरी सब खत्म लेकिन फिर क्या हुआ मूसम ने अल्लाह से से दुआ ने अल्लाह क्या कहा अल्लाह ने इसको ज़िक्र किया आराफ आयत में <ख़ागा> कि जब उन पर तबाही नाजिल हुई और वो सबके सब मर गए मूसा ने, <ख़ागा> ने कहा कि अगर तू इन्हें हिला करना चाहता वही आया इनको और मुझको हलाक करना चाहता तो इससे पहले भी हलाक कर सकता था यानी जहां इन लोगों ने मुतालबा किया था कि असा हमें भी साथ लेकर चलो अल्लाह तला से आप कैसे बात करते हमको देखना है तो वहीं पर अल्लाह ताला मुझको इनको सबको तो हलाक कर सकता था लेकिन मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ और ये भी मेरे साथियों में चुनिंदा लोग हैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ ये अगर हलाक को बर्बाद कर दिए गए यहाँ पे तो मैं अपनी कौम में जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा कि इन लोगों के साथ क्या हुआ इसलिए अल्लाह तला इनको बख्श दे तुहलिकुना बीमा फलफहा उमिनना यानी मूसा इस्लाम ने कहा कि अल्लाह तू हमें हलाक करेगा चंद बेवकूफ़ लोगों के कुछ कह देने की वजह से यानी मेरे साथियों में कुछ लोगों ने ऐसा मुतालबा कर दिया ये ना समझ लोग हैं ना समझ लोगों के मुतालबे पर अल्लाह तो हम सब को, को बर्बाद कर देगा इन ही अल्ला फित ये तेरी तरफ से एक आजमाइश तो दिल लु बिहा मंतशाओ तो जिसको चाहे गुमराह कर दे वह तहदी मंतशाओ और तो जिसको चाहे हिदायत पर ले आए अंत वली तो ही हमारा कारसाज है तू ही हमारा वली है तू ही हमारा कारसाज है फग फिर लना अल्लाह हमें बख्श दे वह रहम और हम पर रहम फरमा व अंत खैरुल गाफरीन और तू सबसे बेहतरीन बख्शने वाला है तो ये दुआ फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से तो इस दुआ पर अल्लाह हरबुल आलमीन ने उन तमाम लोगों को जिनको हलाक कर दिया था अल्लाह ताला ने, जिन पर मौत तारी कर दी थी जो मर चुके थे अल्लाह तबारक वाली ने उन सब को दोबारा जिंदा कर दिया अल्लाह फरमाता है अगली आयत में ए बनो इसराइल तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे मर जाने के बाद मैंने तुम्हें दोबारा जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो ये अल्लाह रबालमी की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा इकराम और बनु इसइल पर बहुत बड़ा एहसान कि उन्होंने एक बहुत खतरनाक मुतालबा किया बहुत बड़ा गुनाह किया इस गुनाह पर अल्लाह तर अजाब नाजिल किया उन पर मौत नाजिल कर दी वो सबके सब मर गए लेकिन मूसा इस्लाम ने दुआ की अल्लाह ताला ने उन सब को दोबारा जिंदा कर दिया ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का कि मर जाने के बाद सांसें रुक जाने के बाद दोबारा जिंदा कर देना ये बहुत बड़ा इनाम है बनु इसराइल पर अल्लाह ताला ने जो इनाम और इकराम किया है और ये जो नमाजिश की है अल्लाह रबीन ने बनु इसराइल पर पूरी इंसानी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतने सारे लोगों को हलाक कर दिया हो और फिर दोबारा उनको जिंदा करके उनको माफ कर दिया होगा इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी नेमत किसी और को नसीब नहीं हुई तो अल्लाह ताला याद दिला रहा है कि तुम याद करो ये नेमत जो तुमको अदा की गई है और आज तुम्हारा क्या फर्ज बनता है जब अल्लाह का पैगाम आया है अल्लाह के एक और रसूल आए हैं तुम्हारी तरफ तुम्हारा क्या हक बनता है तुम्हें किस तरह से अल्लाह तला के पैगाम को मानना चाहिए ये अल्लाह तला इनको याद दिला रहा है इन आयात से मुतलिक दो अहम चीजें और हैं जिनकी वजाहत होनी चाहिए एक ये कि जैसा कि इस आयत में जिक्र हुआ कि अल्लाह रबालमीन ने बनू इसराइल के इन अफराद पर मौत नाजिल कर दी और दोबारा उन्हें ज़िंदा कर दिया तो इस हवाले से आपके सामने ये बात रख दी जाए अल्लाह रब्लम ने इसी सूरत के अंदर पाँच जगहों पर ऐसे वाक़ात ज़िक्र किए हैं जिनमें मर जाने के बाद दोबारा किसी को जिंदा किया गया पांच वाकयात हैं शुर बकरा के अंदर और ये बहुत बड़ी दलील है इन वाकयात को इन आयात को बार बार पढ़ना चाहिए अपने जहन में रखना चाहिए इससे ईमान ताज़ा होता है मरने के बाद की जो ज़िंदगी है यानी मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा उस पर जो हमारा एतक़ाद है हमारा ईमान है उसमें मजबूती पैदा होती है इसलिए ये आयतें पढ़ते रहना चाहिए हमारे जहन में होनी चाहिए तो सिर्फ सुर बकरा में पाँच मकाम ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह रबालमीन ने मौत के बाद की ज़िंदगी का वाक़ पेश किया है किसी दुनिया में मौत हो जाती है किसी की और अल्लाह रब्लम अपनी कुदरत से दोबारा उनको ज़िंदा करता है तो एक वाक़ तो यही हो गया कि बनु इसराइल के इन अफराद को अल्लाह तला ने मौत दी और बाद में मूल सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताली ने इनको दोबारा ज़िंदा कर दिया दूसरा वाक्य अल्लाह रबुलआमीन ने सुर बकर की आयत इकहत्तर और तिहत्तर में जिक्र किया है आगे हम इस आयत को देखेंगे लंबा वाक्य उसका खुलासा यह किसी का मर्डर कर दिया जाता है कतिल कौन है इसका पता नहीं लग पाता है कोई खोज नहीं पाता है कि किसने कत्ल किया तो बनु इसराइल मूस इस्लाम से मुतालबा करते हैं कि अल्लाह से पूछ के बताओ कि किसने कत्ल किया है आपके लिए कौन सी बड़ी बात है इस आदमी को किसी ने मार दिया कतिल कौन है अल्लाह से पूछ के बता दो क्या बड़ी बात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसको किसने कत्ल किया है सबसे बेहतर रास्ता ये कि खुद यही जिंदा होके बता दे कि मुझे किसने मारा है <shiftube> तो अल्लाह ताला ने उस मकतूल को जो मर चुका था उसे ये बताने के लिए कि किसने उसको मारा है उसे दोबारा ज़िंदा किया अल्लाह ताला ने और फिर उसका पूरा वाक़ है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि एक गाय ज़बा करो और उसके गोश्त को इसके जिसम पे मारो ये जिंदा होके बताएगा कि इसको किसने, किसने कत्ल किया है तो ये दूसरा वाक्य है सूर बकरा में जिसमें एक मरा हुआ शख्स जिंदा हो जाता है अल्लाह ताला की से और तीसरा वाक्य वाकया बकरा की आयत नंबर दो सौ तिरालीस में है अल्लाह तहतरू तुम अब इसमें जिक्र है कि कुछ लोग अपने घर से निकले थे मौत से डरते हुए तो अल्लाह ताला ने उन सब से कहा मर जाओ तो सब मर गए और दोबारा अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया यानी बनो इसराइल के वाक़े से मिलता जुलता है फ़र्क ये है कि बनो इसराइल ने बहुत सरकशी की थी उन पर बतौर आजाब वो मौत नाजिल हुई थी तो उनका मामला ही बहुत अलग है कि इतने बड़ी गुस्ताखी और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया जिंदा किया तो ये तीसरा वाक़ है जिसमें अल्लाह तला ने किसी को मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी दी इसी दुनिया में जिंदा किया चौथा वाक्य अल्लाह तुर बकर आयत नंबर दो में जिक्र किया है लदी की अल्ला फरमती मरअर यवात अला के एक बंदे का गुजर हुआ अब ये बंदे कौन थे मुफसरीन का बड़ा इख्तिलाफ़ है बाद ने तो ये भी कहा कि बनु इसराइल ही में से एक फ़र्द थे और बाद ने कहा कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे और अल्फा से पता चलता है ये किसी नबी ही का वाक़ है तो अल्लाह के कोई नबी थे एक बस्ती से गुजर रहे थे और देखा कि ये बस्ती गिरी पड़ी है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इसको मर जाने के बाद कैसे जिंदा करेगा फमा तो मीत आम तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी सौ साल तक सौ साल तक वहीं वो मौत के बाद की हालत में वहीं पर मौजूद रहे तुम अबात सौ साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया यानी मर चुके थे और मरने के बाद सौ साल गुजर गया मौत पर सौ साल गुजर गया सौ साल के बाद अल्लाह तला ने दोबारा जिंदा किया दोबारा जिंदा किया काला कम लबिस्ता और पूछा कि कितने दिन तक कितनी मुद्दत तक तुम मौत की हालत में रहे काला लबिस्त योमन अजय तो उन्होंने क्या कहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा यानी सौ साल पूरी एक सदी उन पर मौत तारी रही और जब अल्लाह तला ने जिंदा किया और पूछा कि कितना टाइम गुजरा मौत की हालत में तो कहते हैं कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा बबिस तमियत आम अल्लाह ताला ने कहा नहीं बल्कि तुम सौ साल तक मौत की हालत में थे फंजुलामी का व शराबी कांजारी का वली तो कहा तुम्हारे साथ खाना वाना था वो तो ऐसे ही है लेकिन ये जो तुम्हारा गधा था देखो इसकी क्या हालत हो गई है तो वो गधा देखने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि कितना टाइम इन्होंने गुजारा है यानी ये एक दिन की बात नहीं है एक दिन में गधे की हालत तो ये अल्लाह ताला ने तुदरत का एक नमूना दिखाया कि मौत के बाद जिंदा करती हो पाँचवा वाक़ सुर बकरा की आयत नंबर दो सौ साठ में है अल्ला फरमाता वाल इब्राहिम और अब अरनी अल्लाह कहता है कि जब इब्राहिम ने कहा कि ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है खाला वलम तो अल्लाह ताला ने कहा क्या तुम्हें ईमान नहीं है यकीन नहीं है खाला वाला कहा क्यों नहीं यकीन तो है अल्लाह मुझे यकीन है वाला की लिया तुम इन कल भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमिन हो जाए मफसरिन ने लिखा है ए ले यसदा मेरा यकीन और बढ़ जाए यानी यकीन तो है लेकिन जब सामने देख लूंगा तो यकीन और बढ़ जाएगा तो अल्लाह ताला कहता है फखुद अरबात मिन कसोन्न इईका सज अला कल जबल मिन जुजन सुम्म कस तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा करो कि तुम चार परिंदे ले लो अब उनको ज़बा करके उनकी बोटियाँ अलग अलग जगहों पर डाल दो उसके बाद उनको बुलाओ वो ज़िंदा होकर उड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे तो ये अल्लाह ताला ने ये एक शक्ल दिखाई कि किस तरह से मौत के बाद अल्लाह ताला ज़िंदा करता है और इसी से मिलता जुलता एक वाक्य सूर्य कहाप में भी है आगे हम उसको देखेंगे वहाँ ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला ने मौत दे दी थी लेकिन एक लंबी मुद्दत तक अल्लाह ताला ने नींद में रखा वो भी इस बात की दलील है कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है मरने के बाद कैसे अल्लाह ताला ज़िंदा करता है तो इन आयत के साथ ये एक चीज़ की वजाहत थी कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूर्य के अंदर तो इस वाके समेत कुल पाँच वाक़ात का जिक्र किया है जिनमें अल्लाह ने अपनी कुदरत का यह नमूना पेश किया है कि इसी दुनिया में किसी को मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया है तो ये तो सिर्फ एक वाक्य है असल मौजूद जो चल रहा है यहाँ पे, वो अल्लाह ताला बन इसराइल पर अपनी नेमतें याद दिला रहा है बनु इसराइल को याद दिला रहा है कि तुम पर हमने क्या नमतें की थी तो उन्हीं में से एक बड़ी नियमत ये कि उनके कुछ अफराद को मोहत देने के बाद अल्लाह तला ने उनको दोबारा जिंदा किया और ये वाक़ बहुत से मौके से हुआ है अल्लाह तला ने कई दफ़ा मरने के बाद जिंदा करके दिखाया है और इसी सूरत के अंदर पाँच ऐसे वाकियात हैं जिनका खुलासा मैंने आपके सामने रखा है इन आयात में एक और चीज़ है जिसकी वजाहत मुनासिब हुई है कि क्या इस दुनिया में अल्लाह ताला को देखना मुमकिन है और दूसरा ये कि मरने के बाद क्या अल्लाह ताला को देखना किसी के लिए मुमकिन है तो वक्त ख़त्म हो चुका है इस मजलिस का इंशाल्लाह अगली अगले मजलिस में हम ये मसला भी आपके सामने रखेंगे कि क्या इस दुनिया में कोई अल्लाह ताला को देख सकता है और क्या मरने के बाद अल्लाह तला को देखा जा सकता है व बरकातहू वरकदल्ला इस सीरीज को बनाने में खालिद अल उमैरी और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें